श्री चरणारविंद में बार बार नमोस्तु है। आप अपनी मंगल दिव्य देशना देकर के हम सभी को कृतार्थ करें। आपकी लेखनी को धन है, आपके लिए पीएचडी और डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, आपकी लेखनी को धन है, आपके त्याग तपस्या को धन है। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपने दिव्य देशना देकर के हम सभी को कृतार्थ करें। स्वामी जी नमोस्तु। देखिए आज आप इस समय संतों को नहीं चलते फिरते तीर्थों को देख रहे हैं। समय शिखर कैसा है ये मीडिया को नहीं पता है। मैं चाहता हूं दोनों हाथ ऐसे बना लीजिए और सारी दुनिया को बता दीजिए, जब दोनों हाथ जुड़ते हैं आकाश में उठ जाते हैं, यही सारस्वत तीर्थ समय शिखर हो जाया करता है। ऐसी भावना के साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, हे भगवान 2023 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम से सकल जैन समाज मनाने जा रहा है, हे भगवान आपके ऊपर उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग का समाधान धनेन्द्र पद्मावती ने किया। आज समय शिखर पर जो उपसर्ग हुआ है उसका समाधान उसका निराकरण हम सभी धनेन्द्र पद्मावती बनके करेंगे। ओम नमो अरहते समय शिखर तीर्थ रक्ष 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 ओम फट स्वाहा शिखर तीर्थ रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम नमो अरहते समय शिखर तीर्थ रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। आज आपने रोम फट की आवाज सुनी है, कल बम फटने की आवाज सुनोगे। याद रखना शरीर की शोभा सिर से है, शरीर की शोभा सिर से है, जैनों की शोभा समय से करते हैं, ये हमारी शोभा है। याद रखना, हिंदू को हिमालय से पहचाना जाता है, मुस्लिम को काबा से पहचाना जाता है, सिखों को सिखों गुरुद्वारे से पहचाना जाता है, ईसाई को चर्च से पहचाना जाता है, और जब जैनों को पहचाना जाता है तो समय शिखर से पहचाना जाता है। याद रखना, आज समय शिखर के ऊपर पर्यटक स्थल बनाने की बात हो रही है। कल आपके मंदिरों के सामने पर्यटक स्थल बनाने की बात होगी। आज हमारे तीर्थों पर आक्रमण हो रहा है, हमने तो समाज को सत्कार दिया, आज वही समाज सरकार हमारा तिरस्कार कर रही है, आज वही सरकार हमारा बहिष्कार कर रही है। मैं यही आज कहना चाहता हूँ, एक नरेंद्र मोदी ने जिन्हें आप नमो कह के पुकारते हो, एक नरेंद्र मोदी ने नमो का सहारा लिया, वो प्रधानमंत्री बन जाया करता है। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी समय शिखर का सहारा ले ले तो नरेंद्र मोदी शाश्वत पर विराजमान हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा नहीं सकती है। तो जैसे शाश्वत तीर्थ समय शिखर हुआ करता है, ऐसा ही पद नमो कार का होता है, क्योंकि नमो एक नमो बोला इतना बड़ा काम। आज हम उनकी माँ को याद कर रहे हैं, उनकी माँ का नाम ले रहे हैं, उस माँ को वह नंगे पैर अंतिम संस्कार दे रहे हैं। जो अपनी माँ के लिए नंगे पर अंतिम संस्कार दे सकता है, तो वो जैन समाज नंगे पैर चल करके समय शिखर को अंतिम संस्कार दे सकता है। और समाज के बहिष्कार अंतिम संस्कार करते क्या, कोई अग्नि लेकर के नहीं,
ये आज आपकी अग्नि परीक्षा है। मैं इतनी सारी बहनों को देख रहा हूँ कैसे धूप पर बैठी है। ये आजाद मैदान में धूप में इसलिए बैठी है, ये आजाद मैदान के लिए नहीं, ये समय शिखर की यात्रा करने के लिए आई है। यह किसी की बातों को सुनने के लिए नहीं। और मैं चाहता हूँ आज वो युवा रोड पर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ वो सारे युवा आजाद मैदान में आकर के शिखर जी को आजाद करने की बात करें। यह शिखर क्षेत्र आज हमारा था, जैसे पहले मेहता जी ने कहा, पहले से हमारा है। जो चीज हमारी है उसके लिए क्या मांगना है, बस सिर्फ आज इतना ही मैं संकल्प करता हूँ। आज के दिन मैं संकल्प लेता हूँ कि जब तक यह समय शिखर हमारा नहीं होगा तब तक के लिए मन का त्याग करता हूँ। आज से मैं अन्य ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि जीवन में आज क्योंकि ये आंदोलन कई बार हो चुके हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनिए, आज सुनिए, और समय शिखर तीर्थ की आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आज उन माताओं की आंखों में अश्रु की धारा बह रही है जो भी शिखर जी यात्रा करके आई हैं। जब इनके सामने कोई जूते चप्पल पहन के गया था, उस माँ ने कहा कि बेटा समय शिखर है, और खींच कर उनके गाल पे चाटा पड़ा। उस समय उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, वो छोटे छोटे बच्चे जब माँ की आंखों में आंसू की धारा देखते होंगे, उससे पूछते होंगे, माँ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उस माँ की आंखों से आंसू की धारा बहती है, बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ, आज मेरी आंखों के सामने समय शिखर हाथों से जा रहा है। बेटा मुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेटा तू इंजीनियर बन पाए या नहीं बन पाए मुझे कोई गम नहीं है, तू वकील बन पाए ना बन पाए मुझे कोई गम नहीं है, तू अच्छा व्यापारी बन पाए ना बन पाए मुझे कोई गम नहीं है, बस बेटा मैं तुझे सच्चा जय बनता हुआ देखना चाहता हूँ। ये भावना आज हर माँ की आंखों में है। याद रखना, हम यहाँ पर ताली बजाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर ताल ठोकने के लिए आए हैं। ताली बजाते हैं तो नेता खुश होता है, नेता को लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छी ताली बजी, कभी को अच्छा लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छी ताली बजी है। लेकिन याद रखना, ये ताली बजा करके ये आंदोलन पूरा होने वाला नहीं है, ये ताल ठोकने का समय है। और जब ताल ठोके जाते हैं तो ये ताल की आवाज 703 में शिखर तक पहुंच जाया करती है। आज मैं आपसे ट्राई करना चाहता हूँ कि आज आप सभी किसी नेता के कहने पर नहीं आए हो, नेता के कहने पर आते तो भोजन की व्यवस्था करना पड़ती, सही है ना? प्रतिष्ठा में आते तो भोजन की व्यवस्था करना पड़ती। आज यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ आजाद मैदान पर नहीं, 703 समय शिखर को बचाने के लिए आप यहाँ पर बीच में आए हैं। आज हमारे बीच में नायक पद्म सागर जी महाराज, जो आज एक बहुत अच्छे पूरे भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जोड़ रहे हैं, लोकेश मुनि जो आज पूरे भारत देश में जैन धर्म की डंका बजा रहे हैं, लेकिन एक प्रणाम सागर आज भक्तावर के माध्यम से आपके बीच में आया है। जब जब जैन धर्म पर अत्याचार हुआ, उस मान तुंगाचार्य भक्तामर का पाठ किया और तारे तारे टूट जाते हैं और जैन धर्म की जय जयकार हो जाया करती है। आज वही मान तुंगाचार्य का दूत बनकर प्रणाम सागर आपके बीच में आया है। यदि जेल में भी जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ क्या मुझे उस समय को याद रखना है जिस समय मान तुंगाचार्य जैन धर्म को विजय दिलाई, और आज वह दिन अपने बीच में है। बस हमें सिर्फ नारों से ही अपना काम पूरा नहीं करना है, रैली से पूरा काम नहीं करना है। यदि आपका बस चले आज से संकल्प, अपना संकल्प ले लें कि जब तक समय शिखर पवित्र घोषित न हो जाए तब तक हम एक ही समय भोजन करेंगे। कौन कौन कहते हैं एक समय भोजन करेंगे, जब समय शिखर जब तक पवित्रता की उसकी घोषणा न हो एक समय भोजन कौन करेगा? एक बार जो समय शिखर के प्रति समर्पित है एक बार हाथ खड़ा करके बता दें, एक समय अन्न ग्रहण करेंगे। जो समय शिखर के प्रति जागरूक है एक समय, दो समय अन्न कौन ग्रहण करेगा? दो समय, और बढ़िया, क्योंकि आज आप
आपको सारी दुनिया देख रही है दो समय, और मैं चाहता हूँ बस, मैं भी चाहता हूँ आज, क्योंकि मैं भक्तामृत की साधना करता हूँ, अब मैं आज से अन्न का त्याग करके साधना करूंगा। यही भाव रखता हूँ कि आज जो काम महात्मा आचार्य ने किया है वही काम, क्योंकि मुझे बहुत दुख है आज, आज मुझे अपने आप पर रोना आ रहा है कि मैं आज जो कि जैन समाज संतों को भगवान मानती है, जब जब संत भूखा रहता है उसमें जैन समाज अपने संत भूखा रख करके अंजलि फैलाकर के संतों को आहार दान दिया करती है, जिस प्रकार से भोजन अपने परिवार को नहीं दिया करती है उससे अच्छा भोजन जैन साधु को दिया करती है, कि जैन साधु का इतना फर्ज नहीं बनता है जो आज जैन को समय सुखर हाथों में चला सके। जो भावना है मेरी आज यही आपसे चाहता हूँ कि आप सभी मिलजुल कर तन्मयता के साथ और महाराष्ट्री आचार्य श्री आपके चरणों में निवेदन है कि समस्या का समाधान शीघ्र होगा, आपसे निवेदन है, आप अभी ये अन्य जल का त्याग मत करिए, इस समस्या का समाधान होगा। आप पूरे जैन समाज हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं आचार्य श्री, आप बिल्कुल पहले नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। उसके पहले अपने एरिया के जो कमिश्नर साहब बता रहे हैं, निवेदन करता हूँ कमिश्नर, मैं साहब को निवेदन करता हूँ कि हम मंच पे आए और सभी का आशीर्वाद ग्रहण जो भाव रखते हैं उसको विराम दे। अभी कुछ समय के लिए आपको अन्न जल त्याग नहीं करना है, क्योंकि हमें पूरे सकल शरीर अनेक शासन के कार्य, अनेक तीर्थों की रक्षा के लिए शरीर की, ये साधक शरीर की जरूरत है, और मुझे विश्वास है, मैं दिल से कह रहा हूं, ये दोनों महान तीर्थ सम्मेद शिखंडी और शत्रुंजय गिरिराज, ये दोनों की पवित्रता बरकरार रहेगी। और मैं ग्रीवा से निवेदन करता हूं, हम दोनों मिलकर के जो जो लोग इसकी व्यवस्थाओं में अधिकार में जुड़े हैं उनको अपने पास बुलाएंगे, उनको निवेदन करेंगे, और वो नहीं मानेंगे तो उनको प्रेम से प्रवचन दे करके मेरे पास अन्न जल का पहले उनको त्याग कराऊंगा और फिर हम त्याग करेंगे। अभी शहीद बनने का वक्त हमारा नहीं है, गलती जिसने की है उनको गलती स्वीकार करके अपने आप में परिवर्तन लाना है, और मुझे सच में दिल से विश्वास है, और भारत में इतनी पवित्रता, अगर जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा, आप अन्न जल त्याग करने की आपकी भावना को कुछ समय के लिए वापिस ले, ऐसी हमारी विनंती, आग्रह और अधिकार है। जयकार है गुरुदेव का। इस पावन तीर्थ क्षेत्र, एक मिनट महाराज साहब आचार्य श्री फरमाएंगे। देखिए भक्तमर बाबा जी से मैं पूज्य प्रवर के स्वर में स्वर मिलाते हुए एक ही कहूंगा कि भद्रबाहू जी को भी उन्होंने भी संघ की भावना स्वीकार की थी, और जब चतुर्विध संघ कोई बात कहता है तो मुनियों और आचार्यों को भी स्वीकार करनी होती है, तो इसलिए ये आने जल त्याग का विचार यहीं पर मिला, और जैसा पूज्य प्रवर ने कहा है फिर करना ही होगा, तो ये फिर दो की और तीनों की तिकड़ी एक साथ ही बैठ, और दिल्ली दरबार को तो मैं अकेले ही ला लूंगा, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ ये बंधु त्रिपुटी है, ये त्रिवेणी संगम है, ये ज्ञान दर्शन चरित्र का प्रतीक है, इसलिए चतुर्विध संघ की भावना को स्वीकार किया जाए, और इस समय अनशन की कोई बात आपके द्वारा अन्न जल त्याग की ना हो, हाथ खड़े करके चतुर्विध संघ इस बात का समर्थन कर रहा है। सभी ने अपनी भावनाओं को रखा है, और संत संतों का साथ देता है, क्योंकि जब मैं कोदनपुर से आया तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझसे कहा श्रीफा चढ़ा के आप आजाद मैदान आओगे, ऐसा लग रहा जैसे हमको बोला जा रहा है। अरे जब तीर्थ की बात होती है
उस समय चलता फिरता तीरथ अपने आप चल के आता है। एक आहार के अंदर मैं पोदमपुर से चल करके गुलारवाड़ी तक पहुंच गया और वहां जाके पार्श्वनाथ भगवान से इतना ही कहा, हे गुलारवाड़ी पार्श्वनाथ भगवान, जैसे गुलाल आज मुंबई में उड़ रही है ऐसे गुलाल सम्मे शिखर में उड़ती रहे, यही प्रभु आज मुझे आशीर्वाद चाहिए। बस मैं आशीर्वाद लेके आया और मन में भावना बना के आया, लेकिन संतों के बीच में बैठ कर के जब संतों ने ऐसा कहा है ऐसा करते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं जल। नहीं गुरुदेव। अच्छा चलिए, हम चाहते हैं कि एक सुनील सागर जी महाराज जो आज जयपुर में बैठे हैं उन्होंने भी अन्न छोड़ा है, तो मैं चाहता हूँ एक अन्न ले लेता हूँ, एक अन्न के अलावा सारे अन्न की छूट त्याग ऐसा करता हूँ, ठीक है। अभी और ये 17 इन्होंने कहा कि 17 तारीख तक डिसीजन आ जाएगा, अपन चाहते हैं 26 तारीख तक का मौका देते हैं, भारत के संविधान के लिखने का मौका देते हैं, 26 तारीख को संविधान में बस जैन संप्रदाय स्वतंत्र संप्रदाय के नाम से नाम आ जाए, ये पवित्र है ही और रहेगा, इस प्रकार की भावना मैं रखता हूँ। एक अन्न ग्रहण करूंगा और हमारी दो माता जी ने भी कहा हम भी एक अन्न ग्रहण करेंगे इस प्रकार, क्योंकि आज आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर इस भावना के साथ आए हैं कि शिखर जी को बचाने के लिए, आज युवा डंडे खा रहा है शिखर जी को बचाने के लिए, ये बहने धूप सहन कर रही हैं शिखर जी को बचाने के लिए, और हम लोग भी संकल्प धो रहे हैं कि कैसे भी ये शिखर जी बचे स्वतंत्र हो। मैं महाराज जी की बात से थोड़ा सा असहमत हूँ और प्रणाम सागर जी महाराज साहब को मैं निवेदन करता हूँ अभी, और आर्यिका जी माता जी को 26 जनवरी के बाद हम सोचेंगे। मैंने एक इशारा किया था, सुनो मेरी एक बात सुनिए जी को, मेरी विनती, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और महाराज जी ये नहीं करेंगे, हमारा इतना तो हक बनता है, अधिकार बनता है। और एक बात कह देता हूँ पीछे युवाओं को, कोई भी व्यक्ति रोड पर सोएगा या बैठेगा लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करेगा, उनको सम्मेत शिखर जी की आशातना का पाप लगेगा। हम सभी जैन संप्रदाय से यात्रा करने में कोई भी गलती हुई हो हम उसका प्रायश्चित करने को तैयार हैं। बस यह शाश्वत तीर्थ हमारा है, हमारे साथ रहे, जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कृष्णानंदन वीर की जय।